लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसका काम है आप तक सच पहुंचाना और आपकी आवाज सत्ता तक पहुंचाना। लेकिन क्या हो कि किसी दिन आपको पता चले कि दरअसल इस मीडिया के कुछ लोग पत्रकारिता का चोला पहनकर असल में देश विरोधी ताकतों का एजेंडा चला रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है जिसकी गूंज संसद तक पहुंची है। पूरी खबर क्या है, इंडियन मीडिया का इससे क्या कनेक्शन है, कैसे भारत विरोधी नैरेटिव चलाने के लिए चंद वेबसाइट्स और यूट्यूब जर्नलिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब जानेंगे इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूँ रुचि अनुरोध और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा पूरा खुलासा किया है, और वो जो न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं। तो ये है चाइना का प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म। अब आपको एक एक करके बताते हैं क्या है पूरा मामला, कौन है नेविल रॉय सिंघम और उसका इंडिया से क्या कनेक्शन है। 2021 में एक मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक पर ईडी रेड के बाद पता चला था कि किस तरह से विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में ही भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, और ये पूरा मामला एक बार फिर से रोशनी में आया है हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम पूरी दुनिया भर के कुछ खास मीडिया हाउसेस को फंडिंग कर रहा है। मकसद है चीन के एजेंडे पर खबरें चलवाना। नेविल रॉय सिंघम के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के साथ मजबूत संबंध है और वो चीन की स्मोकलेस वॉर नीति को सफल बनाने में सबसे आगे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसका ये नतीजा सामने आ रहा है कि दुनिया भर में नए वामपंथी संगठन उभर रहे हैं। ये संगठन चीनी सरकार की बातों को दोहराते हैं या इनके विचार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मेल खाते हैं। यही नहीं, चीन का सरकारी मीडिया भी इन संगठनों की बात करता दिखाई देता है। अपनी जांच में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाया है कि नेविल रॉय सिंघम ने भारत में स्थित न्यूज क्लिक नामक वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल की भी फंडिंग की है। अमेरिकी अखबार ने पाया है कि न्यूज क्लिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ा रहा है। अब आपको बताते हैं पूरे मामले में न्यूज क्लिक का क्या रोल है। न्यूज क्लिक एक तथाकथित भारतीय समाचार एजेंसी है, और ऐसा नहीं है कि न्यूज क्लिक का नाम एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में पहली बार आया है। 9 फरवरी 2021 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने न्यूज क्लिक के संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर छापा मारा था। न्यूज क्लिक पर PMLA कानून के तहत धोखाधड़ी से 76 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के आरोपों की जांच चल रही है। न्यूज क्लिक को 9.5 करोड़ से अधिक की FDI और लगभग 76 करोड़ के एक्सपोर्ट रेमिटेंस मिले हैं, जिसका कोई ब्यौरा देने में न्यूज क्लिक असमर्थ रही है। पैसों का ये हेरफेर कैसे हुआ ये भी आपको समझाते हैं। 2017 में कंपनी बनाई जाती है वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग LLC USA के नाम से। ये कंपनी बनाई जाती है जेसन नाम के एक शख्स के द्वारा, जिसमें 100% इक्विटी लगी है पीपल्स सपोर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर जोडी इवांस की। जोडी इवांस नेविल रॉय सिंघम की पत्नी है, जबकि जेसन उनके काफी करीबी, यानी ये सारे तार घूमकर सिंघम के पास आते हैं। अब ये कंपनी 2018 में भारत की PPK न्यूज क्लिक मीडिया स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को मोटा पैसा ट्रांसफर करती है। कैसे? घाटे वाली कंपनी के शेयर को अंधाधुंध सब्सक्राइब करके, और PPK यानी न्यूज क्लिक का जो शेयर उस वक्त महज 10 रुपए की फेस वैल्यू का था, उसको 11,510 के प्रीमियम पर खरीदा गया, और इस तरह से FDI के माध्यम से न्यूज क्लिक के अकाउंट में करीब 9.5 करोड़ रुपए आता है, और फिर जेसन और जोडी की ये शेल कंपनी बंद भी कर दी जाती है। इसके अलावा पैसों के ट्रांजैक्शन में 4 और कंपनियों का नाम आया है, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड, G-SPAN, द ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड जिसके डायरेक्टर विजय प्रसाद इस पूरे एंटी इंडिया ग्रुप के अहम सदस्य हैं, सेंट्रो पॉपुलर डी मिडास ब्राजील। इन चारों कंपनियों से 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। मजे की बात यह है कि इनमें से 3 कंपनियां नेविल रॉय से सीधे जुड़ी थी और अमेरिका में एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ईडी जानना चाहती थी कि आखिर इतनी बड़ी फंडिंग किस मकसद से की गई, लेकिन प्रबीर पुरकायस्थ के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। बाद में कहा गया कि न्यूज चलाने के लिए सारे पैसे लिए गए, और वो न्यूज पीपल्स डिस्पैच पोर्टल पर चलाई गई, जबकि लीगली पीपल्स डिस्पैच पोर्टल का न्यूज क्लिक से कोई लेना देना नहीं था। और दरअसल FCRA के प्रावधानों से बचने के लिए
डायरेक्ट फंडिंग की जगह एक्सपोर्ट रेमिटेंस का रास्ता अपनाया गया था। अब सवाल यह है कि 76 करोड़ से भी ज्यादा की रकम आखिर कहां इस्तेमाल हो रही थी? क्या यह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या पर्दे के पीछे इससे भी भयावह कोई खेल चल रहा है? दरअसल ये पूरी कहानी चीन की तरफदारी करने का एक रैकेट है। बात अगर यहीं तक होती तो भी एक बार समझ सकते थे, लेकिन ये खेल तो था हर उस मुद्दे पर जहां भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं, वहां चीन की तरफदारी का। आप सोचिए, भारत और चीन के हर विवाद में ये ग्रुप चीन के साथ खड़े होने के पैसे लेता था। और ये कैसे किया जाता था? पेड न्यूज के अलावा रिपोर्टर्स और एक्टिविस्ट को भी पैसा देकर। चाइना से आया ये पैसा स्व घोषित एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के पति और बच्चों को दिया गया, और कई पत्रकारों को भी चीन का ये पैसा पहुंचा है, जिसमें परंजॉय गुहा ठाकुरता भी शामिल हैं। इसके अलावा एक मोटी रकम गौतम नवलखा और बपादित्य सिन्हा को भी दी गई। आपको बता दें कि गौतम नवलखा एल्गार परिषद केस में मुख्य अभियुक्त हैं और यूएपीए के तहत नजरबंद हैं, और इस केस के तार भीमा कोरेगांव मामले से भी जुड़े हैं। जबकि सिन्हा सीपीआईएम के आईटी सेल के मेंबर हैं और प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी को कई ईमेल्स भी मिले, जिसमें पुरकायस्थ विजय प्रसाद और नेविल रॉय सिंघम के ईमेल एक्सचेंज शामिल हैं। इन ईमेल्स में चीन की इमेज मजबूत करने को लेकर भारत चीन सीमा विवाद, अरुणाचल पर चीन के कब्जे और फार्मा प्रोटेस्ट जैसे संवेदनशील मसले शामिल हैं। इसके अलावा ईडी को छापेमारी के दौरान कई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के पोस्टर्स, पेंटिंग्स और लिटरेचर, हाफिज सईद की एनआईए की चार्जशीट, चाइना, वेनेजुएला और ट्यूनिशिया के ट्रैवल डॉक्यूमेंट शामिल हैं। इन सबसे साफ है कि कैसे एक भारतीय मीडिया हाउस पैसे के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। सवाल यह भी है कि खुद को निष्पक्ष बताने वाला एक मीडिया समूह एक ऐसी कंपनी से पैसा लेता है जिसका काम ही चाइना के नैरेटिव को फैलाना है। क्या ये पत्रकारिता के मानकों के अनुरूप है? लेकिन फिर भी 2 साल पहले ईडी की कार्रवाई के वक्त रणदीप सुरजेवाला से लेकर दिग्विजय सिंह, सुप्रिया श्रीनेत और तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया था। जब ये मामला आया तो विपक्ष ने हर जगह इसे प्रेस का दमन बताया, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने इस बात पर पुख्ता मुहर लगा दी है। मीडिया का इस्तेमाल कर भारत में चाइना का एजेंडा चलाने के अलावा एक और मामला है जिसे जानकर आप हैरान होंगे। चाइनीज एजेंट नेविल रॉय सिंघम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के स्तंभ प्रकाश करात के साथ लगातार ईमेल पर संपर्क में था, और इन ईमेल्स में क्या बातचीत हो रही थी, मैं चंद मुद्दे बताती हूं और आप समझ जाएंगे कि इनके बीच कैसी नजदीकियां थी। गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद भारत में चीन की बिगड़ती इमेज से परेशान प्रकाश करात और नेविल सिंघम के बीच बातचीत। चाइनीज प्रोपेगेंडा का एक मंथली डाइजेस्ट जो भारत में कम्युनिस्ट के पास पहुंचेगा, जिसका भारत में प्रचार प्रसार किया जा सके। माओ के महिमामंडन का वीडियो, भारत ने चीन से इंपोर्ट पर जो रोक लगाई उससे करात को परेशानी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर न्यूज क्लिक जैसे संस्थान और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां भारत में रहकर चीन का एजेंडा क्यों चलाते हैं? आप सोचिए, जब कोविड महामारी के वक्त पूरी दुनिया में चीन पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब ये लोग चीन की इमेज सुधारने में लगे थे, और दूसरी तरफ उसी वक्त इन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी कि भारत रफेल विमान न ले पाए। अगर इन भारत विरोधी ताकतों की चीन से मिली भगत पर अब भी कोई शक हो तो मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। देखिए ये ईमेल, जिसमें नेविल रॉय सिंघम और न्यूज क्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ ढेर सारे चाइनीज हैंडलर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग मैप्स में अरुणाचल को या तो विवादित क्षेत्र या फिर चीन का हिस्सा दिखाया जाए। ये सब देखकर जानकर सच कहूं मेरे तो होश उड़ गए हैं। आपको क्या लग रहा है ये आप हमें बताइए, और इस मामले में आगे क्या होना चाहिए वो भी बताइए। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हर मुद्दे की तह तक जाने के लिए देखते रहें द रियल स्टोरी।